नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक वीडियो में कई सारे प्रश्नों को, कई सारे विषयों को समेटने वाले हैं। एक छोटी सी लाइन एक प्रश्न के रूप में खड़ी होती है कि सुंदरता कैसे निर्धारित होती है, किसके जरिए निर्धारित होती है। क्या हमारा दिमाग सुंदरता का पैमाना बताता है या फिर हमारा मन, हमारा दिल किसी सुंदरता का पैमाना बताता है। हमारी आंखें सुंदर है या नहीं ये तय करती है। आखिर कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सुंदर है या नहीं। कुल मिलाकर हमारा आज का प्रश्न है, सुंदरता कहाँ निहित है, हमारी आंखों में या फिर हमारे मस्तिष्क में। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या नस्ल भेद है, गोरे और काले रंग का प्रतीक। जहाँ हम काले रंग को बुराई का प्रतीक मानते हैं, वहीं हम सफ़ेद रंग को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। अंग्रेज एक लंबे समय तक विश्व के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ ये सोच का शासन कर रहे थे, ये कहकर उपनिवेश बना रहे थे कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है कि गोरे लोग ही दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। मध्य भारत के लोगों के लिए पूर्वोत्तर भारत के लोग मंगोलाइड हैं, यानि चीन और मंगोलिया में पाए जाने वाले लोगों की प्रजाति उनसे प्रभावित हैं। मध्य भारत के लोगों के लिए दक्षिण भारत के लोग श्रीलंकन हैं, क्योंकि उनका कलर, उनका स्टाइल काफ़ी उनसे मिलता जुलता है। क्या हो अगर हमारी मनोवृत्ति ही बदल दी जाए, हमारे दिमाग में यह तय कर दिया जाए कि अच्छाई का प्रतीक काला रंग है और बुराई का प्रतीक सफ़ेद रंग है। क्या हमारी इस मनोवृत्ति के आधार पर अमेरिका के नस्लभेद बात को समाप्त किया जा सकता है? क्या इस मनोवृत्ति के आधार पर ब्रिटिश की हुकूमत और उनके उपनिवेश बात को समाप्त किया जा सकता था? अगर हमारे मन में, मध्य भारतीयों के मन में ये विचार ही हटा दिया जाए कि विश्व में कोई अन्य प्रजाति भी होती है, अमेरिकन्स के मन में हटा दिया जाए कि नीग्रो प्रजाति होती है, रेड इंडियंस होते हैं, सभी के मन में ये भर दिया जाए कि सिर्फ इंसान होते हैं, तो क्या ये रंगभेदभाव, क्या ये क्षेत्रवाद, क्या नस्लभेद रहेगा? कई सारे प्रश्न उठते हैं। हम वो देखते हैं जो हमने पहले कभी देखा था और पहले कहीं से डिफाइन हो चुका है, और हमारा दिमाग तुरंत हमें ये बताता है कि देखो, तुमने वो देखा था। जैसे कि जब मैं दरवाजे को देखता हूँ तो मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि यह दरवाज़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले ही मुझे संकेत कर दिया कि वो दरवाज़ा है, जबकि मेरी आँखें सिर्फ एक प्रतिबिंब, एक कैमरा का काम कर रही हैं। इसी तरह जब हम किसी एक ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसे हमने जीवन में कभी ना देखा हो, तो हमारा दिमाग उस समय शून्य होता है और अलग अलग कल्पनाएं करने लगता है। उस तरह की वस्तुएं जिन्हें हमने कभी देखा था, हम उनका नाम लिखने लगते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन जब हमारे मस्तिष्क को कहीं से पता चलता है कि उस वस्तु का नाम वो है, तब हमें पता लगता है कि ये वो वस्तु है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब पहली बार हम ऑडी कार को देखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन जब हमारा मस्तिष्क ये बताता है कि एक ब्रांडेड कंपनी की कार है, तो हमारा दिमाग तुरंत उसके लिए प्रतिक्रियाएं बनाना शुरू कर देता है। इसे हम और भी अलग तरीके से समझते हैं। दोस्तों, एक सामान्य औरत, एक सेक्स वर्कर और एक सामान्य पुरुष, एक सेक्स वर्कर पुरुष जिसे जिगोला कहते हैं, उसके प्रति एक अलग विचारधारा, एक अलग सोच रखता है। लेकिन एक सेक्स वर्कर महिला और एक सेक्स वर्कर पुरुष अपने समान कार्य करने वाले पुरुष और महिला के प्रति जो विचारधाराएं रखता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं होती है। एक सेक्स वर्कर महिला दूसरी सेक्स वर्कर महिला के लिए सामान्य भावनाएँ रखती हैं, लेकिन एक दूसरी महिला जो कि सभ्य समाज से अपने आप को समझती है, वो उस महिला के लिए थोड़ी हीन भावनाएं जरूर रखेगी। इसी तरह अमेरिका में पाए जाने वाले गोरे लोग
वहाँ पर बसे काले लोग जो कि दशकों पहले ब्रिटिशर्स द्वारा दक्षिण अफ्रीका या फिर अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से दास बनाकर ले जाए गए और उनका लंबे समय तक अमेरिका में शोषण किया गया, आज भी उन्हें नस्ल भेद के नाम पर रोकते हैं, टोकते हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, एक सामान्य सा लड़का जिसने कभी किसी एडल्ट फिल्म को नहीं देखा, जिसने कभी किसी रोमांटिक वीडियोस को तक भी नहीं देखा और उसका एक जीवन सभ्य है और वो सुसंस्कृत है, जब वो किसी एक महिला को देखता है जो कि एक अलग प्रकार के वस्त्र में है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या किसी भी प्रकार के हो, तो उसके कपड़ों से उसकी आइडियोलॉजी का पता लगाने का प्रयास करेगा या फिर वो सामान्य तौर पर उसे ये कहेगा अगर वो उसके क्षेत्रीय परिधान या फिर नॉर्मल से साड़ी में या फिर किसी और में हो तो वो ये सोचेगा कि बिल्कुल देवी की तरह ये लग रही है या फिर बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन जब एक पॉर्न एडिक्ट या फिर एडल्ट फिल्मों की लत पड़े हुए युवक जब किसी औरत के प्रति देखेंगे तो वो सिर्फ इतना नहीं बल्कि उनके कपड़ों से उनकी आइडियोलॉजी के जरिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कैरेक्टर कैसा है और डाउन से डाउन कैरेक्टर बनाने का प्रयास करेंगे कपड़े के जरिए, और साथ ही साथ वो ये भी तय करेंगे कि उनका शरीर का कौन सा हिस्सा ज़्यादा आकर्षक लग रहा है और कौन सा नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में पॉर्न फिल्म्स या फिर एडल्ट फिल्म्स उनके दिमाग में बसी पड़ी हैं जिनके ज़रिए वो उस महिला के चरित्र में, उस महिला के शरीर में भी वो सब कुछ महसूस करेंगे जो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा था। कुल मिलाकर इसका परिणाम ये निकलता है कि हम तय वो नहीं करते जो हमारी आंखें देखती हैं, हम तय वो करते हैं जो हमारा मस्तिष्क हमें सुझाता है। बेला हदीद दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। वे अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध सुपर मॉडल है और सी स्टैंडर्ड जो कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता को निर्धारित करने का काम करता है उसके अनुसार भी वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। लेकिन क्या दुनिया के हर पुरुष के लिए वे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं? हो सकता है कि किसी पुरुष के लिए वो महिला सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी जिसका चेहरा बेडोल हो सकता है, जिसके चेहरे में बहुत सारी झुर्रियाँ, बहुत सारे दाग हो सकते हैं। उसी तरह ऋतिक रोशन जो कि भारतीय अभिनेता हैं उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में गिना जाता है। लेकिन क्या हर महिला के लिए वे खूबसूरत होंगे? किसी को लगेगा कि क्या भूरी सी आँख और भूरे से बाल वाला आदमी है। मेरे लिए तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा जो हस्बैंड है वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। सांवला सा रंग, बड़ी बड़ी काली आँखें और शानदार सी मूछें, मानो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे साथ हो। यानी कि खूबसूरती क्या होगी, खूबसूरती कैसे डिसाइड होती है, ये तय करने का कार्य हमारी आंखें नहीं करती है बल्कि हमारा मस्तिष्क सुझाता है, हमारा दिमाग बताता है कि खूबसूरती कहाँ है। कई बार हमारा दिमाग एक खूबसूरत से चिकने सपाट चेहरे को खूबसूरत मान लेता है और कई बार हमारा दिमाग एक बोडोल से झुर्रियों भरे चेहरे को खूबसूरत मान लेता है। खूबसूरती हमारे मस्तिष्क में होती है। हमारा हृदय, हमारा मन हमें विवेक प्रदान कर सकता है, हमें विनम्र बना सकता है, लेकिन निष्कर्ष देने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क डिसीजन लेता है। हमारी आंखें, हमारी पुतलियां केवल एक कैमरा या एक स्कैनर की तरह काम करती हैं। हमारी आंखें ये तय नहीं करती कि खूबसूरती क्या है, हमारा मस्तिष्क तय करता है कि खूबसूरत क्या है और कैसा है। कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। कुल मिलाकर हमारी जो हमारा शरीर है या फिर हमारी खूबसूरती की जो परिभाषाएं हैं वो मस्तिष्क से तय होती है। अगर एक समाज किसी मनुष्य के या फिर समाज के लोगों के मस्तिष्क को सकारात्मक रूप में तैयार करे तो समाज में एक ऐसी खूबसूरती की मिसाल कायम होगी जो हमें एक सभ्य समाज बनाने में मदद करेगी। अमेरिका के गोरे लोगों के लिए अमेरिका में पाए जाने वाले काले लोग असभ्य हैं, बुरे हैं, लेकिन भारत के, दक्षिण भारत के काले लोगों के लिए दूसरे काले लोग प्रिय हैं। भारत के गोरे लोगों के लिए भारत में ही पाए जाने वाले काले लोग उनके भाई हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की तरह सांवला रंग रखते हैं, भगवान श्री शिव की तरह वे काला रंग रखते हैं, डार्क रंग रखते हैं। यानी कि
क्षेत्र, सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा तय करती है कि आपका मस्तिष्क कैसा सोचेगा। अगर आप मस्तिष्क को सही तरीके से सोचने पर मजबूर कर पाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी खूबसूरती का नज़रिया वैसा ही होगा जैसे एक सभ्य समाज में होना चाहिए। अब तक के इस वीडियो को हम ब्रीफ में, काफ़ी शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। कंक्लूजन या निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? दोस्तों, एक आखिरी उदाहरण मैं आपके लिए यही दे सकता हूँ कि मैं अभी तक सिर्फ पचमढ़ी गया हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पचमढ़ी ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मेरे लिए वो एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। लेकिन क्या कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति के लिए, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले व्यक्ति के लिए पचमढ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी? क्योंकि वो खुद एक हिल स्टेशन और पचमढ़ी से कई गुना ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत जगहों से आ रहे हैं, तो उनके लिए पचमढ़ी एक सामान्य सी जगह होगी। इसी तरह गांव के व्यक्ति के लिए शहर एक नई और एक खूबसूरत जगह है। उसी तरह इसके अपोजिट उनके लिए गांव एक सामान्य जगह है, लेकिन शहर के व्यक्ति के लिए गांव कई मामलों में एक खूबसूरत जगह है जहां शांत वातावरण, ताज़ी सब्जियां और शुद्ध हवा मिल सके, जबकि शहर शोरगुल और अशांति का माहौल उन्हें ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए झूठी अफवाहें, झूठे तथ्य ही उन्हें वे सत्य मान लेते हैं और अंतिम सत्य वे कह देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज़्यादा खोजबीन करते हैं, उनके लिए सच का मायना कुछ और होता है। किसी के लिए तथ्य उतना ही बेहतर है, तो किसी के लिए जो ब्रॉड माइंडेड है, जो ज़्यादा सोच पा रहा है, उसके लिए वो तथ्य ज़्यादा और एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा और बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। दोस्तों, मैं जैन दर्शन के स्याद बात में विश्वास रखता हूँ जो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, यानी कि निष्कर्ष नहीं निकालना, ये कहना कि मेरा पक्ष ये है। तो आज के वीडियो का मेरा पक्ष भी क्या है? मेरा पक्ष इतना ही है कि खूबसूरती हमारे मस्तिष्क पर निर्भर होती है। इसमें हमारी आँखों का योगदान नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। हमारी आँखें भी बताती हैं कि खूबसूरत क्या है, लेकिन आँखों के पैमानों को तय करने का काम मस्तिष्क करता है। अगर हम हमारे समाज में अच्छे मस्तिष्क को जन्म दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, तो वे अच्छे नागरिक बनेंगे और उन्हीं अच्छे नागरिकों में से कुछ लोग हमारे राजनीतिक प्रत्याशी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उन्हीं अच्छे मस्तिष्क में से लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे और कुल मिलाकर हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। सिर्फ एक बात सोच लेने से कि खूबसूरती हमारे मस्तिष्क में निहित है, अगर हम मस्तिष्क को खूबसूरत बना पाए तो हम समाज को खूबसूरत बना देंगे। और मस्तिष्क को खूबसूरत बनाने के लिए हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा माहौल, अच्छी सुविधाएं। तो क्या कहा जाए? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि खूबसूरती चीज़ों में नहीं होती, दिमाग में होती है? दिमाग की खूबसूरती ही चीज़ों को सुंदर बनाती है, ये बात डेविड ह्यूम ने कही थी। और इसी बात के दम पर मैं कहना चाहता था आपसे कि खूबसूरती दिमाग में होती है। एक और दार्शनिक जर्मन वैज्ञानिक जोहनेस केपलर भी कहते हैं, सुंदर रंगों को देखने के लिए आँखें हैं, मधु संगीत सुनने के लिए कान हैं, उसी तरह चीज़ों को समझने के लिए दिमाग है। सुंदर रंगों को देखने के लिए आँखें हैं, लेकिन आँखें कैसे तय करें कि कौन सा रंग ज़्यादा सुंदर है? मुझे ब्लैक कलर पसंद है, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने यह प्रतिक्रिया दिया कि मैं ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ब्लैक कलर पसंद है। किसी के लिए पिंक होगा, किसी के लिए ब्लू होगा। कुल मिलाकर इस वीडियो का सार यही था कि हमारा मस्तिष्क तय करता है कि खूबसूरती क्या है, हमारा मस्तिष्क तय करता है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। अगर एक अमेरिकन बच्चे को बचपन से ये परवरिश दी जाए जो गोरे रंग का है, गोरी प्रजाति का है, उसे ये समझाया जाए कि काले रंग के लोग, काली नस्ल के लोग भी तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारी तरह दिखते नहीं हैं लेकिन उनके गुण तुम्हारी तरह है, वो भी अमेरिकन्स हैं, तो क्या वो उनसे नफरत करेगा? नहीं, वो उनसे प्यार करेगा। यानी कि
शिक्षा के जरिए हम मस्तिष्क को सुंदर बना सकते हैं और मस्तिष्क को सुंदर बनाकर हम समाज को सुंदर बना सकते हैं। अपने जीवन के अब तक के अनुभवों, ज्ञान और जानकारियों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में खूबसूरती मस्तिष्क से तय होती है। हो सकता है कि मैं अपने सिद्धांत को या फिर जो किसी और का सिद्धांत हो जिसका समर्थन मैं कर रहा हूँ इसको भविष्य में नकार दूँ। हो सकता है कि मेरे ज्ञान में कुछ और ऐसी वृद्धियाँ हों जो मुझे ये बतलाए कि खूबसूरती मस्तिष्क में नहीं होती, आँख में होती है, हृदय में होती है या फिर पूर्व निर्धारित होती है, मैं नहीं जानता। जैसे कि मैंने कहा, मैं जैन धर्म के स्याद बात में विश्वास रखता हूँ जो कहता है कि आप पूर्ण रूप से कुछ नहीं जानते, जो पूर्ण रूप से जानता है वो सिर्फ और सिर्फ केवल्य है, महावीर स्वामी। और मैं केवल्य नहीं हूँ, मैं केवल्य का भक्त हूँ। इसलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि खूबसूरती कहाँ है। शायद ऐसा हो सकता है कि मस्तिष्क में खूबसूरती हो, जहाँ तक कि मेरा ज्ञान पहुँचा है और जहाँ तक कि मैं जान पाया हूँ। आखिर निष्कर्ष क्या है मैं नहीं जानता, आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं मस्तिष्क को खूबसूरत सिर्फ इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अगर समाज लोगों के बच्चों के मस्तिष्क को बेहतर बना पाए तो एक महान समाज का निर्माण किया जा सकता है। लोग नस्ल भेद के नाम पर नहीं लड़ेंगे अगर उनके बच्चों को बचपन से ही नस्ल भेद से दूर रखा जाए। लोग अगर मध्य भारत के लोगों को बचपन से ही उनकी शिक्षाओं में बताया जाए, कहानियों के जरिए सिखाया जाए कि पूर्वोत्तर के लोग भले ही हमारी तरह ना दिखें लेकिन वो हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, दक्षिण भारत के लोग हमारे भाई हैं। लोगों को जातिवाद, धर्म और अलग अलग सांप्रदायिक कट्टरता के नाम पर न निचोड़ा जाए, उन्हें बचपन से ही सिखाया जाए कि हम सब होमो सेपियंस हैं और कई करोड़ साल पहले कैस्पियन सागर से हम अलग अलग क्षेत्रों में बटे और सब कुल मिलाकर सब एक ही हैं। अगर ऐसा हो तो बहुत बेहतर हो सकता है और विश्व में एक ऐसा महान समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन वह साकार रूप हो जाएगा अगर हम ये मानना शुरू कर दें कि खूबसूरती हमारे मस्तिष्क में है और समाज का मस्तिष्क सकारात्मक बदलकर समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों से कहां तक सहमत हुए हों। अगर सहमत हुए हों तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आपके कुछ तर्क हों या फिर आपको इस विषय में कुछ राय देनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।